हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और माइक्रोवेव की रेसिपी। आज मैं कुछ बनाकर नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आप लोगों को माइक्रोवेव में भुट्टा भूनना सिखाऊंगी। भुट्टे का सीज़न है और सबको बड़ी दिक्कत होती है गैस में भूनने में, तो यदि आप इसके पास माइक्रोवेव है तो आप इन भुट्टों को माइक्रोवेव में बहुत आसान तरीके से भून कर पका कर खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे पकाना। तो ये मैंने एक भुट्टा लिया है और इसे आपको कुछ नहीं करना है, बस धो के बस सुखा लेना है और कुछ नहीं करना है। मैंने इसे सिर्फ पानी से धो लिया था बस, अब ना तो इसे छीलने की ज़रूरत है ना कुछ, बस आपको इसी तरह से माइक्रोवेव में रख देना है। और अब मैं इसका वॉट सेट करूँगी, तो ये हमारा पकेगा माइक्रो मोड पे, माइक्रोवेव के माइक्रो मोड पर 900 वॉट पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 900 वॉट, स्टार्ट के बटन को दबाया। अब मैं इसे 5 मिनट का टाइम सेट करूँगी, तो आप देख सकते हैं मैं बीच वाली बटन से 5 मिनट का टाइम सेट कर रही हूँ। ये देखिए 5 मिनट्स हो गया और मैंने स्टार्ट की बटन को दबा दिया। बस 5 मिनट्स में जो हमारे भुट्टे हैं वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, बिल्कुल इतने नरम नरम दाने हो जाते हैं उसके, बिल्कुल भी कहीं से जलते नहीं हैं और सारे जो दाने हैं इक्वली पके होते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक भुट्टा भून कर दिखा रही हूँ, यदि आप इसमें चाहें तो 6 से 7 भुट्टे भी एक साथ भून सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरह से टाइम बढ़ रहा है, बस 5 मिनट्स हो जाएंगे पूरे और जो हमारा भुट्टा है वो बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से पक जाता है ना कि बहुत खाने में भी उसकी मज़ा आती है, क्योंकि वो कहीं से जलता भी नहीं है और जो एक एक दाने उसके अच्छी तरह से कुक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दाने कुक हुए हैं और कोई दाने नहीं हुए हैं। ये देखिए 5 मिनट्स हो चुका है और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हमारा भुट्टा है वो किस तरह से तैयार हुआ है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि भुट्टे को बहुत गर्म हो जाता है 5 मिनट्स में, तो किसी कपड़े से पकड़ के निकालिए। आप देख सकते हैं इसमें भाप निकल रही है, 5 मिनट्स में इस तरह से भाप निकलने लगती है। तो बस बहुत गर्म है तो बहुत आराम से हम इसे छीलेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी छील सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी छील सकते हैं, हमें इसे पकाने के बाद ही छीलना है। बिना मतलब छील कर माइक्रोवेव में मत रखिए, इस तरह से रख दीजिए तो आसानी भी रहती है। और क्योंकि जब ये भुट्टा पक जाता है तो इसके जो छिलके हैं ना वो भी बहुत अच्छी तरह से निकलते हैं। जब हमारा जो भुट्टा जब पका हुआ नहीं रहता ना, तो ये छिलके निकालने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन पकने के बाद ये छिलके भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो आप इस तरह से करिए जैसे मैंने किया है और बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं होगी भुट्टों को पकाने में, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए जो इसके सारे दाने ना पूरी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई दाना रह गया हो। 5 मिनट्स में ही पूरे अच्छी तरह से भुट्टे हमारा भुंज के तैयार है। मैं इसे दबा के भी दिखा देती हूँ और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है, एकदम येल्लो येल्लो से सारे दाने कुक हो चुके हैं। आप इस भुट्टे को नींबू के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और एक साथ आप इसमें ना 10 भुट्टे भी रखेंगे तो भी आपको 5 मिनट्स का ही टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप 5 मिनट्स में जो आपके भुट्टे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से भुंज के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भुंज गया है। तो बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।